हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपने अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क का इशू कैसे फिक्स करना है। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस ऑप्शंस पे लेके जाऊंगा दोस्तों मैं आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एडवांस स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के। सबसे पहले दोस्तों, पहले स्टेप में हमने ऑटोमेटिक आईपी चेक करनी है कि हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। कई बार हमारे सिस्टम को आईपी नहीं मिल रही होती है, तो इसकी वजह से अनआइडेंटिफाई का इशू आता है आपके सिस्टम में। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे हम। उसके बाद सेटिंग का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिखेंगे दोस्तों आपको। ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना आपको इस तरीके से। इस पेज पर आने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखेंगे आपको दोस्तों। जिससे आप कनेक्टेड होंगे उस पर आपको क्लिक करना है। इथरनेट होगा तो उस पर क्लिक करना आपको, वाईफाई होगा तो उस पर क्लिक करना आपको। आपको इस पर डबल क्लिक करना है जिससे आप कनेक्टेड होंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, इस पर जाना आपको। यहाँ से आपको ये ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP। यहाँ से टिक होना चाहिए इस तरीके से, देख सकते हैं आप इसको। और इसकी प्रॉपर्टी पर जाना हमने, ये देख सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि ऑप्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली करें। अगर यहाँ पर कोई आईपी डली हुई है कुछ भी, आपको उसको चेंज कर देना है यहाँ से इस तरीके से। और आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ऑप्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली। और ये जो यूज फॉलोइंग DNS सर्वर है, ये भी आपको ऑटोमेटिक करके रखना है, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है और उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। इससे बेसिकली क्या होगा दोस्तों, आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिक आईपी ले लेगा और DNS सर्वर भी ऑटोमेटिक ले लेगा। बाहर आके आपको एक बार इस पर राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा डिसेबल कर देना है कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से। फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है इस तरीके से। अगर दोस्तों आपका आईपी एड्रेस का इशू होगा तो ये इनेबल होके फिक्स हो जाएगा इशू। अगर दोस्तों आपको यहाँ से भी इशू फिक्स नहीं होता, मैं आपको दूसरे स्टेप पे लेकर चलता हूँ, नेटवर्क ट्रबल शूटर पे। आपको यहाँ पर जाना है सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे, फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग का गियर का आइकन है, इस पर जाना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग पर जाना है सेम जगह पर। आपको इसको स्क्रोल डाउन करना है दोस्तों, ये ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर नेटवर्क ट्रबल शूटर, इस पर क्लिक करना आपको और इसको आइडेंटिफाई करने देना है कि क्या प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में। यहाँ से दोस्तों ऑल नेटवर्क्स पे बाय डिफॉल्ट चेक होता है, तो आप इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना आपको, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स का मैसेज आएगा आपके पास, आपको वेट करना है। ये ऑटोमेटिक विंडो 10, 11 और 8 जो एडवांस वर्जन है दोस्तों, विंडो ऑटोमेटिक से इशू से जो है फिक्स कर देते हैं। आई एम हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम, तो दोस्तों आपको देख सकते हैं प्रॉब्लम फाउंड। अगर आपके सिस्टम में कुछ और दिखा रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स ले सकते हैं और ये आपका इशू फिक्स कर देगा। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका इशू फिक्स हुआ या नहीं हुआ, अगर यहाँ से भी दोस्तों आपका इशू फिक्स नहीं होता, मैं आपको तीसरे मेथड पर लेके चलता हूँ। तीसरे मेथड में दोस्तों हमने वाईफाई या इथरनेट का ड्राइवर जो है अपडेट करना है। ड्राइवर मेन कंपोनेंट होता है जो आपके सिस्टम को चलाता है, तो ड्राइवर का अपडेट होना जरूरी है, उसको चेक करना आपको। आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि डिवाइस मैनेजर के अंदर नेटवर्क अडोप्टर का ड्राइवर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे आप। डिवाइस मैनेजर आप टाइप करेंगे, आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर डिवाइस मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से डिवाइस मैनेजर का पेज खुलता है। उसके बाद आपको नेटवर्क अडोप्टर्स में जाना है, यहाँ पर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं सारे यहीं पर ही होते हैं। उसके बाद आपको
ईथरनेट आप यूज कर रहे होंगे तो उस पर राइट क्लिक करना है, वाईफाई यूज कर रहे होंगे उस पर राइट क्लिक करना है आपको, अपडेट ड्राइवर कर देना है और मेक श्योर करना है कि आपको उसका ड्राइवर यहाँ पर दिखा रहा हो, तभी काम करेगा आपके सिस्टम में। उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि यहाँ से नेट से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स करना आपको। उसके बाद ये लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स, अब यहाँ से दोस्तों आपको लेटेस्ट वाला चूज करना है, इंटेल आर डुअल बैंड वायरलेस, ये मेरा मैन्युफैक्चरर है जो एचपी का लैपटॉप है उसका ड्राइवर है, तो आप ये वाला चूज करना आपको जो मैन्युफैक्चरर वेबसाइट का होगा, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर दोस्तों यहाँ से आपका वाईफाई ड्राइवर नहीं दिखा रहा है तो आपको उसको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बेसिक ड्राइवर जो है माइक्रोसॉफ्ट का उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये चूज करना, अगर ये मिल गया आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद इंस्टॉलिंग ड्राइवर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ही दोस्तों इंस्टॉलेशन पूरी होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो हैज सक्सेसफुली अपडेटेड ड्राइवर, इसको आपको क्लोज कर देना है इस तरीके से। अगर दोस्तों आपका अपडेट या इंस्टॉल करने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं होता तो आपको उस ड्राइवर पर राइट क्लिक कर देना है इस तरीके से, और राइट क्लिक आप जैसे करेंगे ये करने देना आपको, ये ऑप्शन है जो अनइंस्टॉल डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से डिलीट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर कर देना है और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अब हमने इसका राइट ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर गूगल पर चले जाना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे होंगे, आपको अपने सिस्टम मॉडल नंबर का पता होना चाहिए तो उसको आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको वाईफाई या इथरनेट जिससे आप कनेक्टेड होंगे उसको लिखना है, और आपको इस तरीके से ड्राइवर लिख देना है। फर्स्ट में आपको अपने सिस्टम का मॉडल नंबर लिखना है, देन उसके बाद आपको वाईफाई या इथरनेट का ड्राइवर लिख देना है। आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसा आप देख सकते हैं एचपी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल ड्राइवर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन दिखेगा आपको नेटवर्क ड्राइवर नेटवर्क का, इस पर प्लस का साइन है, प्लस कर देना है। अब यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायरलेस का ड्राइवर है, यहाँ पर वायरलेस मीन्स वाईफाई का ड्राइवर, ये वाला जो है दोस्तों रियलटेक लोकल एरिया नेटवर्क, ये ईथरनेट का ड्राइवर है। तो इन दोनों को आप वन बाय वन जो आप यूज कर रहे होंगे यहाँ से डाउनलोड करके और सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपको अपना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करना है, आपका जो इशू है दोस्तों ड्राइवर से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। और मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है आपके सिस्टम में, तभी वाईफाई काम या फिर इथरनेट काम नहीं करता क्योंकि आप रॉन्ग ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं। तो आपको मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से सिंपली आपको ड्राइवर को डाउनलोड कर देना है और उसको रन कर देना है। अगर दोस्तों आपका ड्राइवर इंस्टॉल या अपडेट या फिर उसको मैन्युअली इंस्टॉल करने के बाद भी आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको चौथे स्टेप पे लेकर चलता हूँ। चौथे स्टेप में दोस्तों हमने DNS की सेटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट मेन्यू में, फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। आप चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस, सेम जो पहले बताया मैंने उसी जगह पर जाना है आपको। यहाँ से आपको ये चूज करना है जिससे आप कनेक्टेड होंगे, डबल क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में आना है इसके, देन आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसकी प्रॉपर्टी पर आना है, और जो यहाँ पर दोस्तों DNS सर्वर है यहाँ पर हमने इसको चेंज करके 8.8.8.8 करना है, आपको डॉट भी लगाना जरूरी है यहाँ पर अपने सिस्टम में 8.8.4.4, ये गूगल का DNS सर्वर का एड्रेस है, इस पर आपको इस तरीके से ओके कर देना है, इसको एज इट इज रहने देना है, ऑप्टेन एन IP ऑटोमेटिकली ओके, और इसको क्लोज कर देना है यहाँ से।
तो आप देखेंगे दोस्तों, आप जब भी ब्राउजर पर जाएंगे तो इजीली से आप एक्सेस कर पाएंगे और आपका इशू यहाँ से फिक्स हो जाना चाहिए अगर आपका डीएनएस सर्वर में प्रॉब्लम है या फिर वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर इससे भी दोस्तों आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको अब एडवांस ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ। कमांड के थ्रू हमने जो आईपी है उसको रिलीज करना है, देन उसके बाद रिन्यू करना है, एंड देन टीसीपी आईपी जो होती है दोस्तों, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है कनेक्शन के लिए, उसको हमने रीसेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे आप, सीएमडी आप जैसे ही टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा, उस पर राइट क्लिक करना, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। आपको छोटा सा प्रॉम्प्ट खुलेगा तो आपको यस करना उस पे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आईपी को रिलीज करने के लिए यहाँ पर कमांड चलानी है, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिलीज। अब हमारी आईपी यहाँ से रिलीज हो चुकी है, हमने उसको रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पर न्यू आईपी के लिए। तो आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिन्यू, इस तरीके से। अब आपको वेट करना है थोड़ा सा आईपी एड्रेस के मिलने का। अब आप देख सकते हैं न्यू आईपी एड्रेस हमें मिल चुका है यहाँ से। अब हमने तीसरी कमांड चलानी है, तीसरी कमांड आपको आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश प्लस डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जो भी कैशे जमा होगा उसको हमने फ्लश कर देना है, यानी उसको डिलीट कर देना है। तो आपको एंटर कर देना है कमांड डालने के बाद। अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली प्लस द डीएनएस रिजॉल्वर कैशे। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, तीन कमांड हमने चला दी। अब हमने टीसीपी आई को रिसेट करने के लिए चौथी कमांड चलानी है, कमांड है नेट sh space winshock space reset, इस तरीके से एंटर कर देना आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली रिसेट द विनशॉक कैटलॉग। अब इसके बाद दोस्तों हमने लास्ट कमांड चलानी है, नेट sh उसके बाद स्पेस देना आपको, int करना आपको, उसके बाद स्पेस देना है, देन ip लिखना है, फिर स्पेस और रीसेट। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोस्तों आप, कमांड मैंने आपकी इजी के लिए स्क्रीन पे दे रखी है, तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं इन कमांड्स को। तो यहाँ से इस तरीके से कमांड डालेंगे आप, आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर इस पर टी लग गया, नेट sh ये कमांड है, एंटर। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है कमांड डालने के बाद, और आपको यहाँ से दोस्तों अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट आप जैसे ही करेंगे आपका इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। इन 5 स्टेप से भी दोस्तों आपका अगर इशू सॉल्व नहीं होता तो आपको उसको फिजिकल केबल चेक करनी है, और अदरवाइज आपके लोकल एरिया नेटवर्क में भी इशू हो सकता है। तो इस केस में आप राउटर या फिर स्विच को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और आप इथरनेट केबल को चेंज कर सकते हैं। कई बार उसके जो दोस्तों अपलिंक्स होती है वो डाउन हो जाती है और वायर वगैरह कट जाती है, इसके वजह से भी इशू आता है। एक और चीज आपको देख लेनी है कि आपका सिस्टम अपडेटेड रहे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 5 स्टेप्स बता दिए आपको, आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपका इशू अभी भी फिक्स नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।